नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए मेरे तुलसी का पेड़ कितना बड़ा है। और दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बनाना मिल्क शेक। तो चलिए दोस्तों अभी बनाने शुरू करते हैं बनाना मिल्क शेक, और कैसे बनता है वो अभी आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो तुलसी माता देखिए कितनी बड़ी है, इधर बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों देखिए, ये हम चार केला ले लिए हैं, इसी से बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। तो दोस्तों इसको पहले हम तोड़ लेते हैं, ज़्यादा पक गया है ये। उसके बाद इसको क्या करेंगे, छिलका उतार लेते दोस्तों। तो अभी हम फटाफट छिलका उतार लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हम अभी छील लेते हैं, हो गया को छील लेंगे। और इसको हम कैसे काटना है वो अभी हमको दिखा दे लेते पहले। तो इस तरह से काट लेंगे हम चाकू से पहले फटाफट, ताकि पीसने में आसानी हो जाएगी। हो गया स्टॉप। तो देखिए दोस्तों हम सब काट लिए छील के फटाफट, और अब इसमें मक्खी भी लग जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ये मेरा रहा मिक्सी, इसमें हम अभी डाल देते हैं। मिल्क शेक है ना, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों पीने में, और घर में बनाना मिल्क शेक बना सकते हैं आसानी से। ये हो गया, इसको इसमें अब हम दूध डालेंगे। तो दूध अब अपने अनुसार से डालिए, हम 1 कप डाले हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसमें इलायची डाल दे रहे हैं दोस्तों। इलायची डालने से क्या होता है, इसका सुगंध बढ़िया होगा। और ये हम ये चीनी डाल देते हैं दोस्तों, 4 चम्मच। आप अपने अनुसार से डालिएगा, जितना मीठा पीजिएगा उतना, जितना कम पीजिएगा उतना। तो दोस्तों हो गया है, और अब इसको हम इसमें लगा दिए ढक्कन, और अब चले हम पीसने के लिए। ये देखिए मिक्सी में लगा लिए हैं, और बटन चालू करेंगे फटाफट पिसा जाएगा। तो अभी हम पीस लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हो गया है पीसने के लिए, अब हम इसको निकाल के ले चलते हैं। ये देखिए अभी हम खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों एकदम पूरा अच्छा से बन गया है, और ये गिलास में अभी हम सर्व कर लेते हैं। कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने से भी, वाह। तो दोस्तों मेरा मिल्क शेक बन के तैयार है, बनाना मिल्क शेक है ये। तो दोस्तों मिल्क शेक मेरा बन के तैयार हो गया है, और आज का रेसिपी हम यहीं रोकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नया कुछ रेसिपी में, तब तक ले मेरा चैनल को लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को सावन की हर हर महादेव, बम बम भोले, बाय बाय।